राइट फ्रेंड्स, नाउ यू रिफर योर क्वेश्चन नंबर टू, जो मैंने आपको डीकेसी की बुक दी है 10.3 पेज पे, आप जरा देखिए क्वेश्चन नंबर टू पेज नंबर 10.3, क्वेश्चन नंबर टू पेज नंबर 10.3। ए कंपनी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई। प्रोडक्ट एक्स यूजेज 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट पी एंड 2 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट क्यू। प्रोडक्ट वाई यूजेज 2 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट आर, 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट क्यू एंड 2 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट आर। कंपोनेंट आर विच इज असेंबल्ड इन द फैक्ट्री यूजेज 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट क्यू। कंपोनेंट पी एंड क्यू आर परचेज फ्रॉम द मार्केट। द कंपनी हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग फोरकास्ट ऑफ द सेल्स एंड इन्वेंट्री फॉर द नेक्स्ट ईयर। सेल्स आपको दे रखा है एट द एंड ऑफ द ईयर, प्रोडक्शन आपको दे रखा है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, प्रोडक्शन आपको दे रखा है। द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स आर असेंबलिंग ऑफ द कंपोनेंट आर विल बी स्प्रेड आउट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर। द कंपनी एट प्रेजेंट ऑर्डर्स इट्स इन्वेंट्री ऑफ पी इन द क्वांटिटीज इक्विवेलेंट टू 3 months प्रोडक्शन। द कंपनी हैज कंपाइल्ड द फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू टू कंपोनेंट्स। प्राइस पर यूनिट पी एंड क्यू, प्राइस पी का है 20 rupees एंड क्यू का है 8 rupees, दिस इज ए पर यूनिट। ऑर्डरिंग प्लेसिंग कॉस्ट अपने को दे रखा है 1500, कैरिंग कॉस्ट अपने को दे रखा है 20% रिक्वायर। ए बजट प्रोडक्शन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपोनेंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। सजेस्ट द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ द कंपोनेंट पी एंड क्यू। अब आपने मेरे को इंटर का याद दिला दिया, राइट? ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी बोलो, कमेंट बॉक्स में लिखो, बताओ याद है आपको ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी? इस मीन्स ईओक्यू, प्रोफेसर विलियम्स ईओक्यू मॉडल याद है, अंडर रूट 2AO डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, चलो वन बाई वन करके ले लेते हैं। पहला तो एकदम सिंपल है, फिर पहले बजट ऑफ प्रोडक्शन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स। तो प्रोडक्शन बजट अपन बना लेते हैं, ठीक है। दिस विल योर आंसर नंबर ए, इट मीन्स आंसर नंबर ए एंड दिस इज योर आंसर नंबर ए पार्ट वन, राइट? स्टेटमेंट showing production budget, statement showing production budget। कौन कौन सा product है अपने पास friends? X and Y। X में आपका sales, X में आपका closing stock और X में आपका ओपनिंग स्टॉक, और ये मिलके आपका हो जाएगा प्रोडक्शन। व्हाट योर सेल्स? सेल्स आपको दे रखा है 80,000 यूनिट्स, 1,50,000 यूनिट्स, एड 10,000 यूनिट्स, देन 20,000 यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक 30,000 and opening stock 50,000। It means आपको आ जाएगा 80 plus 10 minus 30 is 60,000, 150 plus 20 minus 50 is 1,20,000। ये आपको क्लियर हुआ था? आप बताइए 150 प्लस 20 170, सही है? आपको क्लियर हुआ कि नहीं? स्टेटमेंट शोइंग, पहले मैंने आपको क्या बताया? स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन बजट एक्स एंड वाई। सेल्स, सेल्स आपका है 80,000 एंड 150, एड क्लोजिंग स्टॉक आपने कर दिया, लेस आपने ओपनिंग स्टॉक कर दिया, और ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया प्रोडक्शन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर टू एंड प्रोडक्शन। परफेक्टली क्लियर, ओके। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, सेकेंड आपसे क्या पूछ रहा है? ये आपका नाम पार्ट ए, पार्ट वन।
आंसर ए का पार्ट वन क्या पूछा है, प्रिपेयर बजट ऑफ प्रोडक्शन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स। आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो मैंने आपको क्या बताया था, रिक्वायरमेंट के लिए अपन क्या करते हैं फ्रेंड्स, दिस इज योर प्रोडक्शन इनटू रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, राइट। इट मीन्स ये आप आ जाइए, दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग कंपोनेंट्स बजट, ओके। इट मीन्स स्टेटमेंट स्टेटमेंट शोइंग कंपोनेंट्स बजट, कंपोनेंट्स बजट, स्टेटमेंट शोइंग कंपोनेंट्स बजट, राइट। अब किस किस का है, इट मीन्स ये आपके पास इनपुट है, इनपुट है पी और इनपुट है क्यू, ओके। एंड यू रिफर योर नोट नंबर वन एंड रिफर नोट नंबर वन, नोट नंबर वन एंड नोट नंबर वन, ओके। यहाँ पे आप आ जाइए, दिस इज योर नोट नंबर वन पी। अब पी को बनाने में आपको क्या लगे, दिस इज एक्स, आपका जो आउटपुट है वो क्या है आपका एक्स, और एक्स को बनाने में आपको क्या लगेगा, पी एंड क्यू। क्या बोल रहा था, इफ कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, प्रोडक्ट एक्स यूजेज वन यूनिट ऑफ कंपोनेंट पी एंड टू यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट क्यू, इट मीन्स वन यूनिट एंड टू यूनिट्स। प्रोडक्ट एक्स यूजेज वन यूनिट ऑफ कंपोनेंट पी एंड टू यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट क्यू, ओके ओके। व्हाट डू मीन बाई दिस, इट मीन्स ये आपका आ जाएगा प्रोडक्शन, और आपका प्रोडक्शन था 60,000 यूनिट्स ऑफ एक्स, इट मीन 60,000 यूनिट्स इनटू 60,000, ये मिलके हो जाएगा 60,000 इनटू 60,000, और ये मिलके हो जाएगा 1,20,000। ये आपका x के लिए कंजम्पशन आ गया, p 60,000 और q 1,20,000, सही है सर। p आपका हो जाएगा 60,000 और q आपका हो जाएगा 120, तो 60,000 ये हो गया और 120 आपका ये हो गया। ये किसके लिए है, फॉर x के लिए। अब आप आ जाइए y के लिए, ओके। दिस इज योर वाई, और वाई में आपको क्या क्या यूज होगा, इट मीन्स वाई में आपको क्या क्या यूज होगा, प्रोडक्ट वाई यूजेज टू यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट पी, पी के टू यूनिट्स, प्रोडक्ट वाई यूजेज टू यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट पी, वन यूनिट ऑफ कंपोनेंट क्यू, दिस इज क्यू का वन। Y uses 2 units of component P, 1 unit of component Q and 2 units of component R, and this is your R, 2 units, okay, R, R. Component R which is assembled in the factory uses 1 unit of component Q, it means 1 R के लिए अपन को क्या चाहिए, this is equivalent to Q only, it means 2 units के लिए अपने को कितना लगेगा, 2 units. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन, आपका प्रोडक्शन कितना है वाई का, आपका वाई का प्रोडक्शन है 1,20,000, इट मींस वाई का प्रोडक्शन है 1,20,000, इट मींस इनटू 1,20,000 2,40,000 इनटू 1,20,000 1,20,000 इनटू
1,20,000, it means 2,40,000. ओके, तो P आपका कितना हो गया 2,40,000 एंड 2,40,000, तो मिलके कितना हो गया टोटल रिक्वायरमेंट अपना हो गया 3,00,000 एंड इसका देन दिस वन इज 120 प्लस 240 बिकॉज दिस इज इक्विवेलेंट टू क्यू है, इट इज 120 प्लस 240 इज 3,60,000, सो एड 360, इट मीन्स 120 प्लस 360 इज 480. आपका जो एनुअल रिक्वायरमेंट हो जाएगा वो 480 रहेगा Q का और 3,00,000 रहेगा आपका, 3,00,000 आपका रहेगा P का और 4,80,000 आपका क्या रहेगा Q का. ये आपका क्या हो जाएगा एनुअल कंजम्पशन, दिस इज योर एनुअल कंजम्पशन. ओके, अब आगे अपने से क्या पूछ रहा है, सजेस्ट द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट पी एंड क्यू. ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी इट मींस ईओ क्यू. ओके, आपको बता रहा है दिस इज योर, आपके पास दो इनपुट हैं, इनपुट पी एंड इनपुट क्यू, ए ए फॉर योर एनुअल कंजम्पशन, ए फॉर योर एनुअल कंजम्पशन. आपका एनुअल कंजम्पशन कितना है 3,00,000 ऑफ पी एंड 3,00,000 ऑफ पी एंड 3,00,000 ऑफ पी अपन ने निकाला था फ्रेंड एंड 480,000 ऑफ क्यू. देन व्हाट इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट, योर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 1500, योर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 1500 इन बोथ द केसेस एंड देन सी दिस इज योर कैरिंग कॉस्ट. व्हाट इज योर कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट आपको क्या दे रखा है फ्रेंड्स 20% एंड प्राइस है 20, इट मीन्स 20% 4, 20% 4. ओके, ये आपका क्या आ जाएगा ई ओ टू, इट मीन्स 2AO डिवाइडेड बाई सी, इट मीन्स 2AO डिवाइडेड बाई सी, 2AO डिवाइडेड बाई सी, इट मीन्स 3,00,000 इंटू 2 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई 4 और उसका रूट करेंगे अपन तो आ जाएगा 15,000. ओके, 2 इंटू 4,80,000 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई 4 उसका रूट करेंगे अपन को आ जाएगा 2 इंटू 4,80,000 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई 4 रूट करेंगे. सही है सुनो, 2 इंटू 4,80,000 20 और इसका है रेट सॉरी 8 रुपीज पर यूनिट, इसका रेट है 8 रुपीज पर यूनिट, 1.6 2 इंटू 4,80,000 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई 1.6
सॉल्यूट करेंगे, इसका 15,000 हो जाएगा, इसका 30,000। मैंने मतलब टाइम पास के लिए वेरिफिकेशन भी करके दिखाया है सॉल्यूशन में, आपको वेरिफिकेशन करने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज। ये आपके दोनों आंसर हो गए, पहला आंसर आपका हो गया लाइक यू नो दैट कितना अपने को लगेगा लाइक ये आपका एनुअल कंजम्पशन आ जाएगा। ओके, प्रोडक्शन भी हो गया, दिस इज ए पार्ट टू, एंड ये आपका आ गया थर्ड में इज योर ईओक्यू, इट मीन दिस इज योर आंसर नंबर बी। सही है सर, मतलब फ्लो आपको वही रखना है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, देखो जरा फ्लो आपका वही रहना चाहिए, सेल्स ये आपका सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू प्रोडक्शन, देन प्रोडक्शन ये आपका आ गया, प्रोडक्शन आपका हो गया ये, उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए वो आपका क्या हो जाएगा कंजम्पशन, ये प्रोडक्शन, ये आपको क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए वो हो गया। अब हमको एनुअली इतना खरीदना है, उसका रेट ये है, उसका परचेज प्राइस ये है, और ये आपका ये हो गया। सही है सर, परफेक्टली क्लियर होना।